शन्नू जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। मुझे बहुत खुशी है कि आप आए यहाँ पे। शन्नू जी, जानना चाहेंगे आपकी, अब जैसे आपने कहा कि 6 साल आपने ग्वालियर घराने की संगीत शिक्षा ली, फिर लेकिन आपका घराना जो प्रॉपर कहा जाता है वो है रामपुर घराना, जिसमें आपने प्रॉपर उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब से उनकी गंडाबन शिक्षा में उनकी आप बनी जी। तो आपकी गायकी क्या इस वजह से कुछ डिफरेंट हो गई, जिसमें मिक्स्ड रहा ग्वालियर घराने का बेसिक एंड देन प्रोफेशनली आप जब आगे बढ़ी रामपुर घराने? सब घरानों का फाउंटेन हेड जो माना जाता है वो ग्वालियर घराना है और रामपुर घराना उसी की ऑफशूट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इन उस्तादों का, घरानेदार लोगों का आपस में शादी हो जाया करती थी, तो जो तानसेन घराने के थे हद्दू हस्सू खां जो ओरिजिनेटर, इनायत हुसैन खां उनके शागिर्द बन गए और वो आकर के रामपुर में बस गए। जब वो रामपुर में बस गए तो उन्होंने एक, इनायत हुसैन खां साहब ने एक अपनी गायकी, जैसे कि हर एक कलाकार के साथ होता है, आपकी फाउंडेशन एक घराने में होती है लेकिन आपका अपना, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपका अपना परसेप्शन एक राग के लिए, वो अपना इंडिविजुअल होता है। एक ही गुरु से सीखे हुए दो दिग्गज कलाकार होते हैं, जैसे ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन विष्णु दिगम्बर जी से सीखे, लेकिन आप दोनों की गायकी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी अपनी अपनी क्या देन है। तो इस तरह से रामपुर घराने में, और रामपुर के अंदर इट वॉज अ सीट ऑफ लर्निंग, वहाँ के जो नवाब थे उनके कोर्ट में बहुत ही कलाकार, बीनकार, ध्रुपद सिंगर्स, ख्याल सिंगर्स, हमारे अपने अलाउद्दीन खान साहब भी वहीं पे जो सरोद बजाते थे, जो उस्ताद अली अकबर जी के पिता थे, वो हाफिज अली खान और बहुत से, तो वहाँ पे आके सेटल हो गए, यानी नवाब के दरबार के अंदर। तो वहाँ से फिर ये मुश्ताक हुसैन खान साहब जो है वो इनायत हुसैन खान साहब की बेटी को ब्याहे थे, तो इस तरह से वो उस घराने की गायकी रामपुर घराने में भी आ गई। तो इस तरह से आपस में शादी ब्याह होने की वजह से ये आदान प्रदान चलता रहा, फाउंडेशन एक रही, रूट्स अपनी अपनी हो गई। तो इस प्रकार से फिर जब मेरे गुरु ठाकुर जयदेव सिंह जी, उन्होंने मुझे कहा, जिन्होंने कि ही वॉज लाइक अ फादर टू मी, और उन्होंने कहा कि इस वक्त, ये मैं लेट 50s की बात कर रही हूँ, अगर कोई टॉप सिंगर है, सबसे बड़े जिनके पास ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, टप्पा, भजन, सोज, सब कुछ है, आपको उनसे सीखना चाहिए। तब उनके पास वो लेके गए मुझे और उन्होंने कहा कि, और ठाकुर साहब को सब संगीत की दुनिया बहुत मानते थे कि वो बड़े भारी स्कॉलर थे, म्यूजिक कॉलेजेस थे, तो ठाकुर साहब ने उनको कहा कि ये मेरी बेटी है और आपको सिखाना होगा। तो वो खान साहब बेचारे बड़े हैरान, तो उन्होंने कहा ठाकुर साहब आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। तो इस तरह से फिर मैं उनकी शागिर्द बनी।